अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग वॉशिंग मशीन जो कि ख़ासकर पाकिस्तानी लोगों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग और यूनिक भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉर्मल वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं जिसमें से आपको कपड़े धोना डालना पड़ता है, फिर उसमें पानी डालना उठा उठा के पड़ता है, और उसके बाद उसमें सर्फ जो भी कुछ आप डालते हैं वो सब डाल के उसको काफ़ी देर घुमाना पड़ता है, वो बिल्कुल राउंड राउंड घूमती है और कपड़े जो है ना वो बिल्कुल उलझ जाते हैं, और बहुत मुश्किल होता है उसको टेक आउट करना वॉशिंग मशीन में से, और बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो मैं आज आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ। ये है हायर की वॉशिंग मशीन, और देखिए ये ऑटो रीस्टार्ट है। इसका मॉडल है HWM85-1708, और ये बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे इसका वन टच सॉल्यूशन यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ पावर बटन को ऑन करना है, उसके बाद यह ख़ुद ऑटोमेटिकली पानी लेना शुरू कर देगी। पानी लेने के बाद जब इसको अकॉर्डिंग टू वॉश के कितना पानी चाहिए होगा वो ले लेगी तो ये स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास इसने, मेरा ये थोड़ा प्रोसेस, मेरे कपड़े थोड़े ज़्यादा थे तो इसने 38 मिनट जो है ना वो दिए थे। अब इसमें सिर्फ 9 मिनट्स रह गए हैं, इसने नॉर्मल वॉश पर वॉश कर लिया है। अब ये रिंस कर रही है, वो भी 2 टाइम, और आपको पता है कि कपड़े पाक करने के लिए 3 दफ़ा उनको पानी में से निकालना ज़रूरी है। एक दफ़ा ये सोप से निकालेगी, यानी कि सर्फ जो भी आपने डाला है उससे निकालेगी, और 2 दफ़ा आपको ये वॉश करके देगी, और उसके बाद स्पिन करके देगी तो कपड़े बिल्कुल बिल्कुल नहीं ड्राई होते, मतलब थोड़े आपको निचोड़ के देगी, और मतलब आपको निचोड़ना नहीं पड़ेगा, और बहुत अच्छे से ये वर्क करती है। अच्छा, ये प्रोग्राम आपको सेट करने के लिए, ये मैंने प्रोग्राम नॉर्मल पे सेट किया था, इसने वॉश कर लिया, फिर उसके बाद रिंस, ये सेकंड टाइम पानी ले रही है, आप देख सकते हैं एक सेकंड टाइम ऑटोमेटिक पानी ले रही है। और इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये पाइप आपको मिल रहा है, ये आपको खुद ही यहाँ पे इंस्टॉल करना है, इसको यहाँ से फ़िक्स करना है, और फिर ये मैंने इसको, ये खुद ही मैंने इसको यहाँ से फ़िक्स किया है इस वाले पाइप से, ये देखें बहुत ईजी है। और इसका जो ये पानी निकालने का जो पाइप है, इसको आपने ज़मीन पे ही रखना है, इसको कुछ भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वॉशिंग मशीन में आपको इसको बंद करना पड़ता है और फिर जब वो धो लेते हैं तो आपको पानी इसमें से निकालना पड़ता है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ मेरे पास 9 मिनट्स बाकी हैं, तो जब ये ड्राई होते हैं तो मैं आपको इसको निकाल के कपड़े दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ड्राई हो गए, और फिर इसको आप बस जस्ट ऐसी रस्सी पर या तार पर कहीं पर भी हल्के से डाल दें, थोड़ी इनको हवा लग जाए बस, उसके बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे।